हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी के 2 चैप्टर के वीडियो बना दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, कहानी, निबंध, साक्षात्कार या भाषण। इसका सही जवाब होगा डी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, स्थानीय शासन, सरदार शासन या शासन व्यवस्था नहीं था या सभी असत्य है। इसका सही जवाब होगा ए, स्थानीय शासन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, अमरकांत, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, रामविलास शर्मा या मैक्स मूलर। इसका सही जवाब होगा बी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, महानगरों में, शहरों में या सरायों में या गांवों में। इसका सही जवाब होगा डी, गांवों में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन गांव से है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या श्रीलंका। इसका सही जवाब होगा बी, जर्मनी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में या ग्रामीण भारत में। इसका सही जवाब होगा डी, ग्रामीण भारत में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर थे भारत भक्त, संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले या उपयुक्त में सभी। इसका सही जवाब होगा डी, उपयुक्त में सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञानी शुक्ता या सभी सही है। इसका सही जवाब है बी, मेघदूत। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, विवेकानंद ने, रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने या सभी गलत है। इसका सही जवाब है ए, विवेकानंद ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कॉट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा या हिंदी भाषा। इसका सही जवाब है सी, जर्मन भाषा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, जर्मनी, यूनान, भारत या श्रीलंका। इसका
इसका सही जवाब होगा सी, भारत। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, या परंपरा का मूल्यांकन? इसका सही जवाब है सी, भारत से हम क्या सीखे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर की खाल में गदहा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलती है? इंडिका, वर्ल्ड, क्रैटिल्स, या तीनों में? इसका सही जवाब है सी, क्रैटिल्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वीं या 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, या रामचरितमानस? इसका सही जवाब है बी, शाहनामा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिचंद्र, या यतीन्द्र मिश्र? इसका सही जवाब है ए, मैक्स मुलर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलीकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, या सातकोड़ी? इसका सही जवाब होगा सी, मैक्स मुलर ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 1823 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, या 1794 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा बी, 1783 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, या 1826 ईस्वी में? इसका सही जवाब है ए, 1823 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दारिस क्या है? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ए, सोने के सिक्के। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग कहाँ का जनरल गवर्नर था? भारत का, श्रीलंका का, जर्मनी का, या यूनान का? इसका सही जवाब है ए, भारत का। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हकर्स थे भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, या विधि शास्त्री? इसका सही जवाब है बी, वनस्पति वैज्ञानिक। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध, जैन, वैदिक, या जरथुस्ट? इसका सही जवाब है डी, जरथुस्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।